Hey guys, welcome to my channel. That's Palagala. मैं हूँ कांक्षा. आज की इस वीडियो में मैं अपना 10 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ ओजीवा न्यू लॉन्च ग्लूटाथियोन बिल्डर के साथ, जो कि आपको इस टाइप के बॉक्स में मिलता है. एक बॉक्स में आपको 60 कैप्सूल मिलते हैं और इसका प्राइस है 799 रुपीज. इसे मैंने प्री ऑर्डर किया था जब इनकी वेबसाइट पे 20% ऑफ चल रहा था, तो इसीलिए अभी मुझे इसे कंज्यूम करते हुए 10 दिन हो गए हैं. और आज की इस वीडियो में आपको क्लियरली बताऊंगी कि आपको ग्लूटाथियोन बिल्डर लेना चाहिए या फिर ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट लेने चाहिए, क्योंकि इन दोनों में काफी ज्यादा अंतर है और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज क्या करती है. इसके साथ साथ ग्लूटाथियोन बिल्डर कैसे काम करता है, क्या ये आपको गोरा बनाएगा या नहीं बनाएगा, कौन सा सही टाइम है ग्लूटाथियोन लेने का और इसके क्या साइड इफेक्ट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, और इस सप्लीमेंट को लेने से क्या मैंने कोई साइड इफेक्ट्स या फिर कोई स्किन या फिर हेल्थ इश्यू फेस किया है, ये सारी की सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियरली मेंशन करने वाली हूँ. इसकी प्रिस्क्राइब्ड डोज है कि आपको इसे एक दिन में 2 कैप्सूल कंज्यूम करना है. तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको इसे कैसे लेना है. तो गाइस, अगर आप बिगनर हैं, सबसे पहली बार ग्लूटाथियोन का कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो कभी भी आप 2 कैप्सूल डेली ना लें, क्योंकि उसके हो सकता है कुछ साइड इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिले. तो स्टार्टिंग में आप 1 कैप्सूल डेली लें, इसके साथ साथ मॉर्निंग में ना लेके इवनिंग में लें, मील के बाद लें, तो ये सबसे ज्यादा सही तरीका है किसी भी सप्लीमेंट को स्टार्ट करने का. इसके साथ साथ इस सप्लीमेंट को आपको नॉर्मल पानी से लेना है. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन मैं भी ऐसा करती थी कि जितने पानी की आपको जरूरत है आप सिर्फ उतना ही पानी पीते हैं. जब भी आप कोई सप्लीमेंट लें तो गाइस 200 से 300 एमएल पानी उसके साथ जरूर लें. तो आप स्टार्टिंग में 10 से 15 दिन किसी भी सप्लीमेंट को इस टाइप से लेना शुरू करें. इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि वो सप्लीमेंट आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर वो सप्लीमेंट आपको सूट नहीं भी कर रहा होगा, तब भी आपको उसके सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे. अगर वो सप्लीमेंट आपको सूट नहीं भी कर रहा होगा, तो भी आपको माइल्ड सिम्टम्स दिखाई देंगे और वही एक इंडिकेशन होगी ये जानने के लिए कि वो सप्लीमेंट आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. तो अगर प्रिस्क्राइब डोज के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में ही आप 2 कैप्सूल मॉर्निंग में खाली पेट लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो कभी कभी उसके सीवियर साइड इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. और ये सारी की सारी चीजें कहीं लिखी नहीं होती, बॉक्स में मेंशन नहीं रहती, लेकिन मैं पिछले 1-1.5 साल से सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ग्लूटाथियोन एक नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारी सेल्स में पाया जाता है, और अगर हमें सही न्यूट्रिएंट्स मिले, हमारी बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स मिले, तो हमारी सेल इसे इंटरनली प्रोड्यूस भी कर सकती है. और पर्सनली मुझे ऐसे सप्लीमेंट्स लेना ज्यादा पसंद है जो हमारी बॉडी को ग्लूटाथियोन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स करे, ना कि एक्सटर्नल सोर्स से ग्लूटाथियोन लेना. ग्लूटाथियोन हमारी स्किन के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है. सबसे पहली बात कि ये आपको ब्राइट स्किन देता है, ये आपकी एजिंग को स्लो करता है और मेलानिन के प्रोडक्शन को स्लो करता है, और मेलानिन को एक लाइटर कलर के सब्सटेंस में चेंज करता है, जिसकी वजह से आपको अपनी स्किन टोन में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है. तो ये है बेसिक फंक्शनिंग ग्लूटाथियोन की. तो इसीलिए मुझे पर्सनली ये जो ग्लूटाथियोन बिल्डर है वो ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आपको 2 टाइप के ब्लेंड मिल रहा है. पहला ग्लूटाथियोन बिल्डर ब्लेंड और दूसरा ग्लूटाथियोन रिटेंशन ब्लेंड. बिल्डर ब्लेंड आपके बॉडी में ग्लूटाथियोन को प्रोड्यूस करेगा और रिटेंशन ब्लेंड आपके बॉडी के सही पार्ट्स में उस ग्लूटाथियोन को पहुंचाएगा और उसे फोर्स करेगा कि वो आपकी बॉडी में ही रहे. ये नहीं हो कि न्यूट्रिएंट्स ने ग्लूटाथियोन को आपकी बॉडी में बनाया और फिर निकाल दिया, यानी कि वो वेस्ट हो गया. इस टाइप से इसमें आपको 2 ब्लेंड मिल रहे हैं. ग्लूटाथियोन बिल्डर ब्लेंड में आपको मिल्क थैसल मिल रहा है 34% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ, जो कि बेसिकली आपके लीवर के लिए, आपके बोन्स के लिए और आपकी स्किन हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग है. 2015 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है. देन इसमें एन एसिटाइल सिस्टीन है जो कि मलाज्मा को रिड्यूस करता है और आपकी सेल्स को फोर्स करता है ग्लूटाथियोन प्रोड्यूस करने के लिए. देन इसमें अल्फा लिपोइक एसिड है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है. और इसके ग्लूटाथियोन रिटेंशन ब्लेंड में आपको विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट मिल रहे हैं.
10 दिन से मैं इसे इवनिंग में एक कैप्सूल डेली कंज्यूम कर रही हूँ और एक कैप्सूल डेली लेने से मैंने किसी भी टाइप का इवन माइनर भी कोई भी स्किन इशू या फिर हेल्थ इशू फेस नहीं किया है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ प्लिक्सोलिना की स्किन ग्लो टैबलेट्स का रिव्यू शेयर किया था जिसमें ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट यूज किया गया है और उसे सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन ही यूज करने के बाद मैंने देखा कि मेरी जो स्किन है वो सीवियरली डैमेज होने लगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो इस सप्लीमेंट के साथ ऐसा कोई भी स्किन इशू या फिर हेल्थ इशू मुझे फेस नहीं करना पड़ा। इसके रिजल्ट्स देखने के लिए आपको कम से कम भी 9 वीक्स का टाइम लगेगा, लेकिन इसमें जो न्यूट्रिएंट्स यूज किए गए हैं वो आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहली बात, इसमें आपको बाहर के किसी सोर्स से ग्लूटाथियोन नहीं मिल रहा, तो इसीलिए ये पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि ग्लूटाथियोन के कभी कभी कई सीवियर साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्लूटाथियोन बाहर की सोर्स से ना लेके आपकी सेल्स खुद से ग्लूटाथियोन प्रोड्यूस करें तो वो ग्लूटाथियोन आपकी बॉडी के लिए पूरी तरीके से सेफ है और वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे इफेक्ट ही आपकी बॉडी को और आपकी स्किन को देगा। तो अभी तक 10 दिन से जो मैं इसे यूज कर रही हूँ, मुझे ये जो सप्लीमेंट है वो काफी अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली 2 महीने बाद मैं फिर से इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी, रिवाइज रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो रिव्यू वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।